आई होप आप सब ठीक होंगे ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो कि 2025 से पहले अपना वेट लूज करना चाहते हैं। मुझे भी अभी 30 के के बाद 20 के और रिड्यूस करना है तो आप मेरी इस जर्नी में शामिल हो सकते हैं बाय रेगुलरली वाचिंग माय वीडियोस बिकॉज़ आई विल बी अपलोडिंग व्हाट आई ईट इन अ डे आल्सो सम वेरी हेल्दी रेसिपी एक रेसिपी मैंने कल रिकॉर्ड करी है वो मैं शेयर लास्ट वीडियो के रिस्पांस के बाद मुझे कुछ फीडबैक ऐसा मिला जिसमें मुझे लगा कि जरूरत है इस वीडियो की अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं और 2025 शुरू होने से पहले आप अपना वेट लूज करना चाहते हैं तो ये टोटली totally पॉसिबल है एंड बहुत नेचुरली पॉसिबल है आपको किसी भी किस्म की सप्लीमेंट की या किसी भी किस्म की ऐसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज मैंने भी नेचुरली ही वेट लूज किया है और अब तक थर्टी के जी लूज कर चुकी हूँ मैं अलहमदुल्ल सो so चलते हैं आगे की तरफ सबसे बड़ा जो मेन फंडामेंटल है वेट लॉस का वो है कैलोरी डेफिसिट और बैलेंस लाइफ अगर आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं रहते हैं और अगर आप बैलेंस डाइट या बैलेंस लाइफ नहीं रखते हैं तो फिर वेट लूज करना मुश्किल या नामुमकिन तो नहीं है लेकिन उस वेट को मेंटेन करना नामुमकिन जरूर है अब चलते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि सबसे पहले तो आपको इन चीजों पर रिलाई करना बंद करना पड़ेगा जैसे कि फ्रूट जूस एपल साइडर विनेगर हनी लेमन वाटर या जीरा वाटर इन चीजों किसी भी कोई एक चीज पकड़ के आप आप लूज नहीं कर सकते कि कि अगर आप सोचे आपने ये एक चीज करना शुरू कर दी और बाकी आपकी लाइफ वैसी की वैसी ही है जैसे चल रही थी तो उस तरह से आपका वेट लॉस अचीव करना नामुमकिन नहीं है लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो वेट दोबारा जरूर आ जाएगा अगर आप एक डिफरेंट एक्टिविटी और एक डिफरेंट लाइफ में थे एंड आउट ऑफ नो वेयर ऑल ऑफ अ सडन आपने अपने एक्टिविटी में ये सब चीजें डाल दी कि आप एकदम से रनिंग करने लगे लेकिन आपकी कैलोरी इंटेक उतनी थी तो आपका वेट तो लूज होगा शुरू में लेकिन फिर वो अटक जाएगा तो अब करना क्या है सबसे पहले आप किसी एक चीज के ऊपर रिलाई करना बंद कर दें क्योंकि वेट लॉस में आपका पूरा लाइफ मैटर करता है और ये भी जरूर याद रखिए कि आपका वेट गेन एक दिन में नहीं हुआ था एक महीने में नहीं हुआ था दो महीने में भी नहीं हुआ था तो जितना वक्त उस वेट गेन को लगा है कम से कम उतना वक्त आपने अपना वेट लॉस को देना ही होगा अगर आप जल्दबाजी में वेट लूज करते हैं जैसे मेरी कुछ अपनी ऑडियंस से बात हुई थी और वो चाहते थे कि वो अपना वेट लॉस कर लें महीने के अंदर 30 किलो तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप सोचें तीस किलो जितना फैट आपके बॉडी के किस किस ऑर्गन पर है और उससे आपका हार्ट मतलब आपके दिल पर कितना इफेक्ट पड़ेगा अगर आप एक तुम से इतना वेट लॉस कर लेंगे आपके कितने बाल जाएंगे आपके दांत कितने कमजोर हो जाएंगे और आपकी एक और सवाल भी आया था इट वाज अबाउट लूज स्किन तो मैं यहां दिखा देती हूं 30 केजी लूज करने के बाद भी अलहमदुलिल्लाह अलहमदुलिल्लाह यू कैन नॉट सी के मेरी लूज स्किन है उसका रीजन ये है कि उसने अपना वक्त लिया एक और चीज अगर आप एक महीने में दस किलो भी लूज करते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आप अपना एक्स्ट्रा लार्ज से मीडियम साइज में आ जाएंगे या अगर आप लार्ज पहनते हैं तो आप स्मॉल साइज में आ जाएंगे अगर आप 38 या 40 साइज की वेस्ट की जीन्स पहनते थे तो आप 34 साइज की वेस्ट की जीन्स में आ जाएंगे तो बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं होना है अगर आप अपने वेट लॉस को हेल्दी तरीके से करेंगे तो आपके कोई ऑर्गन्स भी डैमेज नहीं होंगे आपको अपने बालों पर भी लाखों रुपए नहीं खर्च करने पड़ेंगे और आपके ऑर्गन्स की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और वो वेट रहेगा। वो वेट मेंटेन रहेगा दोबारा बढ़ेगा नहीं अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे नेक्स्ट पॉइंट पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं जब भी दूसरी वीडियो पोस्ट करूं वो आपको हेल्प कर सके और आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए ताकि आप उसको टाइमली वॉच करें और हम अपना गोल 2025 तक अचीव कर सकें बिकॉज 30 के के बाद अभी भी मुझे 20 के जी लूज करना है और इन इन ढाई महीने में आई ट्राई कि ये वेट लॉस अगर 20 किलो नहीं भी होता तो 15 किलो या 13 किलो तक तो हो जाए ताकि 2025 जब जनवरी शुरू हो तो एक मैं बहुत ज्यादा हेल्दी तरीके से और ज्यादा हेल्दी तरीके से स्टार्ट कर सकूं ठीक है तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर लेकिन सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आपका जो वेट गेन हुआ था आप जरा सोचें कहीं आपको स्ट्रेस तो नहीं था जो कि वर्क स्ट्रेस भी हो सकता है फाइनेंशियल स्ट्रेस भी हो सकता है हेल्थ रिलेटेड फैमिली से रिलेटेड या कोई आपकी लाइफ में बहुत कोई टॉक्सिक हो जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहा हो इसकी वजह से भी वेट गेन होता है अगर आप अपने आठ घंटे की नींद भले वो रात को ले रहे हैं या दिन में ले रहे हैं वैसे तो रिकमेंडेड है और हमारे रिलीजन में भी है रात सोने के लिए है दिन जागने के लिए है तो अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर आप नहीं भी करते हैं तो कम से कम कम से कम सात या आठ घंटे की नींद जरूरी है अगर आप वो नहीं लेते हैं तो उसकी वजह से भी आपका वेट गेन हो सकता है नेक्स्ट आप जरूरत से ज्यादा खाने लग गए या फिर आप अपनी डाइट में जंक ज्यादा खाने लग गए मतलब जितना आप खा रहे थे पहले जंक उससे ज्यादा जंक खाने लग गए जिसकी वजह से आपका वेट बुटॉन हो गया ये भी वजह है, है? ठीक है? उसके अलावा आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो गई हो या कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो गई हो ये भी एक रीजन है कि आपका वेट लॉस या वेट गेन इस वजह से हुआ हो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने एक दिन बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली और आप भूखे रह गए और आप अदनान सामी से करीना कपूर बन गए तो इट्स अ जोक प्लीज टेक इट एज अ जोक ओनली बिकॉज आई हैव सीन एंड आई हैव बिन ओबीस तो मुझे पता है किस तरह कितना कितना प्रॉब्लमेटिक होता है उठने बैठने वॉक करने में जॉइंट्स में पेन होता है आप नॉर्मल चीजें नहीं कर सकते आप गाड़ी चलाते हुए स्टेयरिंग आपके पेट के पास आता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं इस सब चीजों का मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा है एंड आई कैन रिलेट टू इट जिस तरह से आपका एक रात में गेन नहीं हुआ था एक रात में लूज भी नहीं होगा वेट अब सल्यूशन पर आने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि वेट गेन हुआ क्यों जब आप कैलोरी ज्यादा खाते हैं आपकी बॉडी अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है कि आपकी बॉडी एकदम शॉक में चली जाती है और आपकी बॉडी को लगता है कि क्या ये स्टार्वेशन मोड में जाने वाला है अगर ये स्टार्वेशन मोड मतलब अगर ये रोजे रखने वाला है या अगर ये भूखा रहने वाला है तो फिर मुझे फैट रिजर्व रखना चाहिए जैसे कि हम इमरजेंसी में पेट्रोल रखते हैं अपने घर में या डीजल रखते हैं अपने घर में या गैस सिलेंडर रखते हैं अपने घर में उसी तरीके से हमारी बॉडी कुछ फैट को बॉडी में स्टोर कर लेती है ताकि जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो या कोई भी बीमारी हो या कुछ भी अल्लाह ना करे इस तरह का हो तो आपके वो जो फैट रिजर्व है वो यूज हो सके इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी अच्छा एक इंसान को एक नॉर्मल ह्यूमन बींग को कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है उस कैलोरी कैलकुलेटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप उसे क्लिक कीजिएगा और वहां पर आप अपना डेटा डाल दीजिएगा ये एक जनरल किस्म का गूगल पर कैलोरी uh, कैलकुलेटर आता है उस कैलोरी कैलकुलेटर के हिसाब में आप अपना एज अपना जेंडर अपना हाइट अपना वेट और आपका लाइफस्टाइल कैसा है मतलब आप एक्टिव हैं या सिडेंट्री हैं ये डाल देंगे और उससे आपको पता चलेगा कि आपको दिन में कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी चाहिए जिससे आपका या तो वेट मेंटेन रहेगा या वेट लॉस के लिए आपको कितनी कैलोरीज चाहिए दिस इज स्टेप नंबर वन जब अब मान लीजिए कि कैलोरी कैलकुलेटर में आपकी रिक्वायर्ड कैलोरीज वेट मेंटेन करने के लिए टू थाउजेंड आई है तो अगर आप वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं आप आ जाएंगे पंद्रह सौ कैलोरी में ठीक है पंद्रह सौ कैलोरी जब आप लेना शुरू कर देंगे तो डेट मीन आपकी रिक्वायरमेंट से पांच सौ कैलोरी कम है वो पांच सौ कैलोरीज आपने कम कर दी ठीक है उसके साथ आपने कुछ वॉक स्टार्ट कर दी कुछ वर्कआउट स्टार्ट कर दिया मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप जिम जाएं डंबल्स उठाएं भागे रनिंग करें नहीं आप वो करें जो आप कर पा रहे हैं मतलब मैंने भी जब शुरू किया था तो आई स्लो क्योंकि मुझे रैश का भी डर था मुझे sweating बहुत ज़्यादा क्योंकि जब आपका है तो आपको पसीना भी बहुत बहुत ज़्यादा आता है है होती क्योंकि आप सोडियम बहुत ज्यादा लेते हैं एनी वेज यहाँ से अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं अब 500 सौ कैलोरीज का तो आपने घाटा कर दिया और मजीद आप दो सौ से तीन सौ कैलोरीज बर्न भी कर रहे हैं तो टोटल आपके बॉडी में आपके ऑर्गन्स को फंक्शन करने के लिए 1200 कैलोरीज रखी हुई है ठीक है अब हम एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आते हैं वन मील अ डे एक डाइट है जो लोग फॉलो करते हैं और वो वन मील अ डे डाइट मुझे लगता है वो बिल्कुल भी सही नहीं है जितनी भी रिसर्च मेरी है और न्यूट्रिशनिस्ट के हिसाब से जितनी भी मेरे पास बुक्स हैं जितना भी मैंने विकिपीडिया पे भी पढ़ा है डिफरेंट गैस्ट्रो के पास मतलब डिफरेंट फिजिशंस के पास डिफरेंट डॉक्टर्स के पास आपकी बॉडी को टाइम टू टाइम कुछ कैलोरीज चाहिए होती हैं और वो टाइम टू टाइम ही उनको एब्जॉर्ब करता है अगर आप दिन के कुछ हिस्से में खाते हैं और दिन के कुछ हिस्से में पूरा दिन भूखा रहते हैं तो आप न्यूट्रिएंट न्यूट्रंजॉर्शन तो होगी नहीं जहां पर जो न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है जो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं वो एक हो जाएगी अच्छा एक और चीज अक्सर लोग कहते हैं जो कि मैंने भी ये काम किया था जब मैं 16 की थी मैं वन मील डे लेती थी और वो जो वन मील होता था ना वो मैं रेस्टोरेंट में जाके लेती थी वो बर्गर खा लेती थी और फिर पूरा दिन भूखी रहती थी या वो मैं स्टेक खा लेती थी और पूरा दिन भूखी रहती थी या पास्ता दिस इज नॉट राइट क्यों ये ठीक नहीं है इसलिए क्योंकि जब ये ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप अगर आप 1200 सौ कैलोरीज ले रहे हैं या पंद्रह सौ ले रहे हैं और आप उस पंद्रह सौ में चीनी खा रहे हैं शुगर ले रहे हैं बिस्किट्स ले रहे हैं ब्रेड ले रहे हैं और इस किस्म की चीजें ले रहे हैं और एक बैलेंस नहीं ले रहे जैसे कि प्रोटीन फैट और कार्ब्स जो कि न्यूट्रिय होते हैं जिसकी आपकी बॉडी को जरूरत है अगर आप वो नहीं ले रहे हैं तो तो आपका आपका वेट वेट लॉस लॉस होगा होगा ऐसा नहीं आपका नहीं है आप एक महीना 1500 कैलोरीज पर होंगे और आप उसमें जो है वो आपने ब्राउनी खा ली आपने कैलकुलेट किया 500 कैलोरी एक ब्राउनी में है ये एक ब्राउनी मैंने खा ली 500 कैलोरी जो है वो इस बिस्किट के पैक में है और 500 कैलोरी इस बर्गर में है ये मैंने तीन चीजें खा ली में और मेरा वेट लॉस हाँ आपका वेट लॉस होगा वो से एक महीने में आप वेट लूज कर लेंगे लेकिन अगले महीने में जब आप जाएंगे तो वेट लूज नहीं होगा उसका रीजन ये है कि आपकी बॉडी में ये जो तीन चीजें हैं कार्ब प्रोटीन एंड फैट इन तीनों चीजों की जरूरत है तो लूज वेट क्योंकि ये बनाते हैं आपकी बॉडी में हार्मोन्स जिन लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि वो अपनी बॉडी में इन सब चीजों की बैलेंस नहीं रखते हैं तो अगर आप एक प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं करते हैं और आप वेट लूज करना चाह रहे हैं तो शायद आपका वेट लूज जरूर हो जाए लेकिन वो मेंटेन नहीं होगा तो इस चीज का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, है क्योंकि हमने सिर्फ वेट लॉस नहीं रखना हमने हेल्दी भी रहना है हमने अपने ऑर्गन्स को अच्छा भी रखना है ताकि जो डायबिटीज साठ सत्तर में होती थी वो अब पच्चीस बीस तीस इन एजेस में हो रही है आजकल लोगों को हार्ट अटैक थर्टी थर्टी फाइव में आ जाता है उसका रीजन ही यही है बिकॉज हमारी डाइट में वो चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए और वो चीजें नहीं हैं जो होनी चाहिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर डाइट प्लान भी मैं आपको जरूर इस वीडियो में बताऊंगी लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें अगर आपके दिमाग में होगी तो जो गलतियाँ हम कर जाते हैं शायद वो गलतियों से हम बच जाएंगे नींद का जो जहाँ तक सवाल है तो स्लीपिंग पैटर्न क्यों जरूरी है सो स्लीपिंग पैटर्न क्यों जरूरी है स्लीपिंग पैटर्न इसलिए जरूरी है कि अगर आप सोएंगे तो जो आपका वेट लॉस होना है ना वो आपकी नींद के टाइम पर होगा आपने जो भी वर्कआउट किया होगा आपका मसल रिपेयर करेगा जब आप रेस्ट करेंगे आप बॉडी में न्यूट्रिएंट जो आपने खाए हैं वो एब्सॉर्ब होंगे जब आप रेस्ट करेंगे जब आप सोएंगे और अगर आप सोते नहीं हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है आप वेट लॉस नहीं कर सकते स्लो हो जाएगा बहुत ज्यादा सिस्टम स्लो हो जाएगा इसीलिए यूजुअली ट्रॉमा में आपकी बॉडी भी या स्ट्रेस में आपकी बॉडी का रिएक्शन जो है ना बहुत अलग हो जाता है जब आप स्ट्रेस या ट्रॉमा में होते हैं स्ट्रेस या ट्रॉमा में आपकी बॉडी फैट स्टोर करने लग जाती है और उस फैट स्टोरेज से ही आपका वेट गेन होता है हार्मोनल इंबैलेंसेस इम्बेलेंसेस होने लग जाते हैं जो मैंने आपसे बात की आपका प्रोटीन फैट और कार्ब की इक्वल बैलेंस रखना जरूरी है उसका रीजन ये है कि अगर आप नहीं रखेंगे तो ये बीमारियां जो कि बहुत कॉमन है उन लोगों में जिनका वेट बढ़ जाता है क्योंकि मुझे अपने अराउंड दिखता है कि मेरे जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं जो स्ट्रगल कर चुके हैं या उस एक विशेष साइकिल से निकल नहीं पा रहे वेट गेन के साथ डायबिटीज थायराइड, कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर पीसीओस ये सारे प्रॉब्लम्स लिंक्ड हैं क्यों क्योंकि जब आप जंक खाते हैं जब आप नींद पूरी नहीं करते हैं जब आप क्रैश टाइट पे जाते हैं तो आपकी बॉडी को अंदाजा ही नहीं हो पाता कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है एम आई गेटिंग प्रिपेयर फॉर अ बैटल एंड इसी वजह से ये सब चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो इसीलिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का ख्याल रखना बहुत जरूरी है अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है जो लोगों ने पसंद करी है बींग न्यू यूट्यूबर क्योंकि मेरे पास नॉलेज बहुत ज्यादा है मैं पढ़ती बहुत ज्यादा हूँ एंड अ प्री मेडिकल स्टूडेंट आई लॉट मैं आपको ये चीजें अपने एक्सपीरियंस के साथ और नॉलेज दोनों के साथ बता रही हूँ कि हेल्दी लाइफ ही आपको एक अच्छी लाइफ इंजॉय करने के काबिल बनाएगा आप कि अगर बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं इंजॉय कर सकते हैं आप अपनी मैरिड लाइफ बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं एंड इफ यू आर नॉट मैरिड तो आप अपने पेरेंट्स का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं लेकिन अगर आप खुद हेल्दी नहीं होंगे तो आप इनमें से किसी का भी हेल्प नहीं कर सकते यू हैव टू टेक केयर ऑफ यूर टू बी एबल टू हेल्प अदर्स नेक्स्ट पॉइंट आपने मिनरल्स वाइटामस प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक ये सब लेना है लेकिन जो मार्केट में मिलने वाली चीजें हैं जो क्लेम करती हैं जो महंगी हैं, उनसे जरूरी नहीं है कि आपका वेट लॉस होगा क्योंकि मैंने वो तमाम चीजें खरीद के वेट लॉस नहीं किया है आप नेचुरल चीजें लें आप ड्राई फ्रूट लें आई नो ड्राई फ्रूट महंगे हो गए लेकिन आप वो ड्राई फ्रूट ले सकते हैं जो ड्राई फ्रूट के रेट्स अभी भी सही है जैसे कि पीनट्स हो गए चने भी इसमें आ सकते हैं आप वॉलनट्स ले सकते हैं ठीक है और आपको भर भर के नहीं लेना आपको एक सर्टेन क्वांटिटी के अंदर लेना है वो आपको हेल्दी फैट्स देंगे जिसकी आपके हार्ट हेल्थ को बहुत ज्यादा जरूरत है नंबर टू आप योगर्ट मतलब दही दही का इस्तेमाल कर सकते हैं आप जो मार्केट में लोग ग्रीक योगर्ट का बहुत फैशन आ गया है और ग्रीक योगर्ट ले रहे हैं थाउजेंड रुपीज का इतना सा ग्रीक योगर्ट, योगर्ट आपको अगर बहुत थिक योगर्ट चाहिए आप आम दही लें ठीक है और उसको मलमल uh, के कपड़े में हैंग कर दें उसका पानी जो ड्रेन हो जाएगा तो आपका ग्रीक रेडी है आप उसके ऊपर बनाना चॉप करके डाल दें उसके ऊपर वॉलनट्स डाल दें ये आपका इतना मजे का स्नैक बन जाएगा और सोचें आपका इस स्नैक से क्या क्या चीजें अच्छी होंगी मैगी टू मिनट्स बहुत आसान है ठीक है बहुत कन्वीनियंट है और पेट भी भर जाता है बहुत कम पैसों में लेकिन वो है क्या क्या आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर सकती है रामेन का फैशन बहुत ज्यादा आ गया है लेकिन अगर मैं आपको बताऊं मैंने अभी तक तीन साल में दो पैकेट रामेन लिया है और उसमें से एक पैकेट को भी कंज्यूम नहीं किया उसका एक रीजन है क्योंकि मेरी गट हेल्थ सपोर्ट नहीं कर सकती है इतना स्टार्ची फूड को हजम करना अगर मैं वो खाऊंगी तो मेरी हेल्थ इफेक्ट होगी एंड आई डोंट वांट टू डू और मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप ये चीजें कभी ना खाएं आप खाएं आप अपना चीट मील मिले उसे आप उसको सैटरडे या संडे में किसी एक दिन ले सकते हैं लेकिन हमेशा याद रखें अगर आपने संडे नाइट को या सैटरडे नाइट को एक हैवी मील लिया है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द नेक्स्ट मील अ वेरी हेल्दी वन लाइक आपका अगली सुबह का जो मील होना चाहिए वो बहुत हेल्दी होना चाहिए और हमेशा कोशिश कीजिए जैसे इस संडे मैंने बर्गर खाया तो मैंने कोशिश करी कि अगले दिन मैं लाइट खाऊं फ्रेश खाऊं लेकिन उस बर्गर के बाद मैंने वॉक जरूर करी ठीक है उस वॉक से मेरा वो बर्गर हजम नहीं हुआ लेकिन फॉर माई बॉडी तो अगर आप चीट करते हैं जो कि करना चाहिए विच इज अ वेरी गुड थिंग आपने हफ्ते में एक बार चीट मील लेना है उस चीट मील की कैलोरीज उतनी होनी चाहिए कि आपकी बॉडी हजम कर सके आपने अपनी बॉडी को ऐसा नहीं बनाना है कि आपकी बॉडी भूल ही जाएगी कार्ब्स क्या होते हैं ठीक है चीज क्या होता है नहीं आपने ये सब चीजें लेनी है अच्छा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत सारी मील आइडियाज भी मिलेंगे क्योंकि

मुझे और कंटेंट आइडियाज भी मिलेंगे कि आप क्या जानना चाहते हैं और मुझे किस चीज पर फोकस करना चाहिए। नंबर टू मुझे इस चीज का भी अंदाजा होगा कि बाकी लोग क्या उस सवाल से रेजोनेट कर रहे हैं क्योंकि डैट विल हेल्प आउट अदर्स एज वेल व्हेन आई आंसर इन योर कमेंट सेक्शन सो हमने ये बात करी इस वीडियो में कि अगर वेट गेन हुआ है तो इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड इट इज टोटली पॉसिबल टू लूज वेट टाइम हेल्दी तरीके से विदाउट बाइंग एनी सप्लीमेंट्स एंड ऑन वेरी बजट फ्रेंडली डाइट ऑल्सो यू नीड टू एड डेली एक्टिविटी इन योर लाइफ अगर आप वॉक कर सकते हैं वॉक करें अगर आप जॉगिंग कर सकते हैं आप जॉगिंग करें अगर आप योगा पसंद करते हैं योगा करें अगर आप आग डांस पसंद करते हैं डांस करें कमरे को लॉक करके आप डांस कर सकते हैं आप जुम्बा कर सकते हैं आप के साथ कर सकते हैं आपको जो चीज स्किपिंग रोप आपको पसंद है आप वो कर सकते हैं आप अपने टेरेस पे अपने रूफ टॉप पे वॉक कर सकते हैं जो चीज आपको पसंद है आप वो चीज कर सकते हैं और इस तरह से आप बहुत खुश भी रहेंगे आप बहुत हेल्दी भी रहेंगे और आपका वेट लॉस भी बहुत मजे से हो जाएगा लेकिन आई कैन टोटली रिलेटल हंड्रेड के जी प्लस मैंने वो टाइम देखा है एंड इमोशनल थिंग आई day uh, जो कि मुझे बहुत हर्ट करा है लेकिन uh, लेकिन अब जो है थिंग्स आर बेटर अब मैंने अपना वेट लॉस कुछ हद हाँ तक अचीव कर लिया है जिसकी वजह से आई एम हैप्पी लेकिन अगर आप इस फेज से गुजर रहे हैं आई कैन टोटली रिलेट टू इट इसलिए क्योंकि ये बहुत ही पेनफुल बहुत ही ऐसा फेज है जिसमें आप सिर्फ यू यू स्पीक टू योर गॉड

डाइट ये सारी चीजें ये सारी चीजें आपके ऑर्गन्स की हेल्थ को बर्बाद कर देती हैं प्लीज डोंट डू डैट टू योर सेल्फ अ वेरी 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 हैप्पी वीक एंड लेट्स गो टुगेदर टूवर्ड्स विंटर्स एंड हैव अ वेरी गुड वेट लॉस जर्नी आई होप यू गाइस टेक केयर ऑफ योर सेल्फ अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में आप क्या जानना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सो so डैट मुझे भी आइडियाज मिले थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज